हेलो फ्रेंड्स, मैं उनैशिक फ्रॉम blogtour.com और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं हैकर्स से और डिफरेंट अटैक से। बिकॉज वर्डप्रेस एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है, सो इसका मतलब ये है कि बिकॉज ये फेमस है, बहुत ज़्यादा यूज्ड है, बहुत ही पॉपुलर है, सो इस पर अटैक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इसको अटैक करना भी बहुत आसान है। वर्डप्रेस वेबसाइट को हैक करना, उसे अटैक करना, उसके फाइल्स को चेंज करना एक हैकर के लिए बहुत ही आसान है एज़ कम्पेयर टू सम अदर वेबसाइट। वो इसलिए होता है बिकॉज ज़्यादातर लोग जो वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं उनको इतना खास टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है और वो अपने पैसे बचाने के लिए वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं, जो बहुत ही अच्छा है। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, मैं खुद अपने क्लाइंट्स के वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाता हूँ और लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि वर्डप्रेस पे बनाए, ज़्यादा बेटर है आज के टाइम पे। कल अगर नया सोल्यूशन आएगा इससे बेटर सो हम वो यूज़ कर सकते हैं, बट आज सबसे बेटर सोल्यूशन ये है। बट जो एक लूप होल इसका रह गया है, इसका सिक्योरिटी इश्यूज़, आज हम उस इश्यूज़ को इस वीडियो में रिजॉल्व करेंगे, उस सबको इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे हम अपने वेबसाइट को सिक्योर बना सकते हैं ताकि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाए किसी हैकर के लिए या फिर किसी अटैकर के लिए या फिर इनफैक्ट किसी स्पैमर के लिए हमारे वेबसाइट को अटैक करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो आप ज़रूर लाइक करें और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका जवाब देने की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने डैशबोर्ड पर आना है। अगर आपको नहीं पता आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर कैसे जाते हैं, सिंपली अपना वेबसाइट नेम टाइप करें, उसके बाद /और wp-admin टाइप करें, जैसा कि आप यहाँ पर इस लिंक में देख सकते हैं। उसके बाद हमें एक नया प्लगइन इंस्टॉल करना है जो हमें इस चीज़ को करने में हेल्प करेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्लगइन्स दिखेगा, उस पर हावर करके ऐड न्यू करें और यहाँ पर आपको आई थीम्स सिक्योरिटी टाइप की है या फिर सिंपली आई थीम्स टाइप करें और इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लें। आई थीम सिक्योरिटी आप देख सकते हैं अराउंड 9 लाख वेबसाइट्स या फिर 9 लाख वेबसाइट एट प्रेजेंट इस थीम को, इस प्लगइन को अपने वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हैं अपना वेबसाइट सिक्योर करने के लिए। सो चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं। सो इसके लिए इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक कर दें, फिर इसे एक्टिवेट कर दें। ओके, जब आप इसे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक नया ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का, सिंपली उस पर क्लिक करें। सबसे पहले ये आपको एक सिक्योरिटी चेक के लिए पूछेगा, सो सिंपल इस बटन पर क्लिक करें सिक्योर साइट पर। आप देखेंगे ज़्यादातर आपको ग्रीन साइंस आएंगे, सिर्फ यहाँ पर आपको एक येलो साइन आया। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है और एक्टिवेट नेटवर्क ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है। आप अभी देखेंगे ये भी ग्रीन हो गया। आप अगर फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं तो हो सकता है आपका ये ग्रीन ना हो। फर्स्ट आपको जो भी आप यहाँ ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे वहाँ पर एक API की आएगा, आपको वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना होगा, उसके बाद ये ग्रीन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी इसे क्लोज़ कर देते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हमें हेल्प करेंगे हमारे वेबसाइट को सिक्योर करने में। हमने सिक्योरिटी चेक देख लिया है, चलिए अभी देखते हैं ग्लोबल सेटिंग्स क्या है। सो कॉन्फ़िगर सेटिंग्स पर क्लिक करें। अभी क्या आप अलाउ करना चाहते हैं इस प्लगइन को आपके WP कॉन्फ़िग और HT एक्सेस फाइल पे कुछ एडिट करने में, सो हमें यस करना है, इसे अलाउ करना है ताकि कुछ भी जो सिक्योरिटी इश्यूज़ है ये उस इन पेजेस को एडिट करके उसे रिजॉल्व कर सके। और जब भी कोई होस्ट यानी कोई भी आपके वेबसाइट पे अटैक करना चाहे सो ये प्लगइन उसे लॉकआउट कर देगा, यानी कि वो अटैकर आपके वेबसाइट को नहीं देख पाएगा, उसकी जगह उसको एक एरर मैसेज मिलेगा। तो आप क्या चाहते हैं वो एरर मैसेज में जो भी आप टाइप करना चाहते हैं यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। आप इन कीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, H1, H2 ये सब HTML कीज़ का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र लॉकआउट मैसेज है, जब भी एक बंदा, एक यूज़र, एक IP एड्रेस आपके वेबसाइट पे अटैक करने की, हैक करने की कोशिश करेगा सो उस और जब ये प्लगइन उसे देख लेगा उसे लॉकआउट कर देगा, तो उस टाइम आप उसे क्या मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहते हैं सो आपको वो मैसेज यहाँ पर टाइप करना है। और सिमिलरली कम्युनिटी लॉकआउट मैसेज पे क्या मैसेज टाइप करना चाहते हैं इस पे आपको यहाँ पर टाइप करना है। अभी आपको यहाँ पर इसे इनेबल करना है ब्लैक लिस्ट रिपीट ऑफेंडर को। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा रिपीटेडली हमारे वेबसाइट पे बार बार हमारे वेबसाइट पे अटैक करने की कोशिश कर रहे तो हम उस बंदे को या फिर उस बंदे के कंप्यूटर के IP एड्रेस को या फिर उसके नेटवर्क IP एड्रेस को
ब्लॉक कर देंगे, ब्लैक लिस्ट कर देंगे, जिससे वो हमारे वेबसाइट को विजिट ना कर सकी। फिर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, ब्लैक लिस्ट थ्रेशहोल्ड, ब्लैक लिस्ट लुकबैक पीरियड, ब्लैक लिस्ट पीरियड और लॉकआउट पीरियड। अब ये तीन ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, बिकॉज ये तीनों इंटर रिलेटेड भी है। सपोज एक बंदा बार बार आपके वेबसाइट को अटैक करना चाह रहा है, सो फर्स्ट टाइम हम उसे लॉकआउट कर देंगे 15 मिनट के लिए, मतलब 15 मिनट तक वो आपके वेबसाइट पे कुछ नहीं देख सकता, आपका वेबसाइट उसे ब्लैंक दिखेगा। फिर 15 मिनट बाद वो आपके वेबसाइट को देख सकता है। फिर हम इसे फिर से अगर उसने लॉकआउट फिर से उसने अटैक करने की कोशिश की, फिर वो 15 मिनट के लिए लॉकआउट हो जाएगा। फिर 15 मिनट बाद अगर उसने अटैक करने की कोशिश की तो थर्ड टाइम लॉकआउट हो जाएगा। और अगर वो थर्ड टाइम लॉकआउट हो गया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 3 लॉकआउट जो हमने थ्रेशोल्ड रखा है, अगर 3 बार वो बंदा लॉकआउट हुआ तो वो ब्लैक लिस्ट में ऐड हो जाएगा और 7 दिन तक हम उसे ब्लैक लिस्ट में रख सकते हैं, मतलब 7 दिन तक अभी वो आपका वेबसाइट नहीं देख सकता। अगर आप यहाँ कुछ नंबर्स को चेंज करना चाहते हैं, अगर ब्लैक लिस्ट पीरियड को इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है लॉकआउट वाइट लिस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपली ये बटन पे क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे आपका आईपी एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना आईपी एड्रेस वाइट लिस्ट कर दे, ताकि गलती से कभी आप लॉकआउट ना हो जाए और आप अपना ही वेबसाइट नहीं देख सके और एक्सेस नहीं कर सके। सो ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपना वेबसाइट 2-3 जगह से ऑपरेट करते हैं, सपोज़ आपके ऑफिस से, आपके घर से, आपके बिजनेस प्लेस से, तो आप वो तीनों जगह जाके वो तीनों कंप्यूटर से इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं और आपका तीनों आईपी एड्रेस यहाँ पर एंटर हो जाएगा, ताकि वो कंप्यूटर्स कभी लॉकआउट ना हो। उसके बाद उतना खास सेटिंग्स नहीं है, सिंपल आप सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर दें। उसके बाद नोटिफिकेशन सेंटर है, जब भी आप कुछ हो तो आपको किस ईमेल एड्रेस पे नोटिफिकेशन चाहिए, सो आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल दें। ओके, और डेटाबेस बैकअप आपके इस ईमेल एड्रेस पे भेज दिया जाएगा, ताकि अगर आपके वेबसाइट पे इतना सिक्योरिटी के बाद भी कोई अटैक कर दे तो आप वो डेटाबेस बैकअप को फिर से रिस्टोर करके अपने वेबसाइट को नॉर्मल बना दे। और सिक्योरिटी डाइजेस्ट को मेक श्योर ये इनेबल्ड हो, और आप इसका सब्जेक्ट चेंज कर सकते। बेसिकली इससे क्या होगा कि आपको हर रोज़ या फिर हर वीक, जैसा कि आप यहाँ पर सेटिंग करना चाहे, शेड्यूल करना चाहे, सो डेली का अगर आप शेड्यूल करेंगे तो हर रोज़ आपको एक ईमेल मिलेगा जो एक समरी होगा, जिसे सिक्योरिटी डाइजेस्ट कहते हैं। उस समरी में आपको बताएगा कि आज आपके वेबसाइट पे 3 लोगों ने अटैक करने की कोशिश की, उसको लॉकआउट कर दिया गया है, उसका आईपी एड्रेस ये है। सो बेसिकली ये सब नोटिफिकेशन सेंटर्स है, नोटिफिकेशन सेटिंग्स है। ओके, सो जब भी कोई साइट लॉकआउट हो, जब भी आप कोई बंदा लॉकआउट हो, तो क्या आप चाहते हैं कि आपको उस ईमेल के थ्रू उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए? अगर आप हाँ है तो आप इसे टिक मार्क करके सेव सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद 404 डिटेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इनेबल कर दे और कॉन्फ़िगर सेटिंग्स कर दे। अभी अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो हमने ग्लोबल सेटिंग्स में किया था वो सेटिंग्स यहाँ पर इनेबल्ड है। नंबर ऑफ लॉकआउट बिफोर परमानेंट बैन 3 एंड नंबर ऑफ डेज हाउ मेनी लॉकआउट शुड बी रिमेंबर्ड 7 है। अब यहाँ पर एक नया ऑप्शन है। बहुत बार क्या होता है कि लोग आपके वेबसाइट पे कुछ फाइल ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसको वो चेंज कर सके, आपके वेबसाइट पे अटैक कर सके। सो जब बार बार वो चेंज आप वो फाइल ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर उनको फाइल नहीं मिलेगा, सो उनको नॉट फाउंड 404 का पेज मिलेगा, जो जब भी कोई आपके वेबसाइट पे कुछ ढूंढे उसे ना मिले तो उसको 404 पेज मिलता है, नॉट फाउंड पेज। सो हमको एक यहाँ पर आप एरर थ्रेशोल्ड में 5 कर सकते हैं, और मिनट्स टू रिमेंबर 404 एरर को आप 30 मिनट्स कर सकते हैं। अभी इससे क्या होगा, सपोज़ अगर 30 मिनट्स के अंदर, आधे घंटे के अंदर बंदे को 5 404 एरर पेज मिले, या फिर आप इसे 10 सेट कर सकते हैं, 10 404 एरर पेज मिले, नॉट फाउंड पेज मिले, तो बंदे को हम लॉकआउट कर देंगे। ये इसलिए कि बहुत हाई चांसेस है कि शायद वो बंदा कोई फाइल ढूंढ रहा था आपके वेबसाइट पे अटैक करने के लिए। अभी यहाँ पर कुछ फाइल्स है जो हम वाइट लिस्ट करे हैं, बिकॉज़ जैसे कि आपके गूगल एनालिटिक्स और कुछ योस्ट SEO, ये सब फाइल्स को इस्तेमाल करते हैं, सो हम इसे वाइट लिस्ट कर देते हैं। और ये मीडिया फाइल्स जैसा कि JPEG, PNG, GIF फाइल, इसको भी हम वाइट लिस्ट या फिर इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज़ ये सब पे कोई खास डेंजर नहीं है। सो सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर दें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अवे मोड, इसे आप इनेबल कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर सेटिंग्स कर सकते हैं। अभी ये ऑप्शन भी कुछ लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल,
अगर मुझे पता है कि मैं रात को 12 बजे सो जाता हूँ और सुबह 8 बजे उठता हूँ और वो टाइम तक मैं कभी अपना वेबसाइट ओपन नहीं करता हूँ, डैशबोर्ड ओपन नहीं करता हूँ, इसे डैशबोर्ड बोलते हैं, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होता है जहाँ से अपने वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं आप। सो सपोज़ मुझे पता है वो 7-8 घंटे तक मैं रात को सोता होता हूँ और ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ। सो आप डेली का सेटअप कर सकते हैं और वो टाइम सपोज़ 12 बजे AM से 7-8 AM तक सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये टाइम तक कोई भी आपके डैशबोर्ड को विजिट नहीं कर सकेगा। या फिर एक दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, फिर एक दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, सपोज़ आप एक हफ्ते के लिए कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, सो आप इसे नो वन टाइम के लिए करके और वो डेट फ्रॉम डेट टू डेट डाल के फ्रॉम टाइम टू टाइम डाल सकते हैं, जिससे आपका वेबसाइट उस टाइम तक लॉकआउट रहेगा। कोई भी आपके वेबसाइट को तो हर कोई विजिट कर सकता है, फाइल्स देख सकता है, पोस्ट पढ़ सकता है, बट डैशबोर्ड को कोई विजिट नहीं कर सकता वो टाइम के लिए। सो अगर आप चाहिए तो आप सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर सकते हैं, मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। बैंड यूजर्स का सेटिंग है, चलिए इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर सेटिंग्स पे क्लिक करें और इसे इनेबल कर दे। डिफ़ॉल्ट ब्लैकलिस्ट पे इनेबल hackrepair.com ब्लैकलिस्ट फीचर। सो ये एक वेबसाइट है hackrepairs.com, इनके पास एक लिस्ट है पूरी ब्लैकलिस्ट आईपी एड्रेस की। सो हम चाहते हैं कि यार वो लिस्ट तो हमें भी दे दे, ताकि वो लिस्ट में से अगर कोई आईपी एड्रेस हमारे वेबसाइट पे भी अटैक करना चाहे सो हमें पहले ही पता चल जाए और हम पहले ही उसे लॉकआउट कर दें। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगेन आप सेव सेटिंग्स कर दें, उसके बाद डेटाबेस बैकअप स्पेस कॉन्फ़िगर सेटिंग करें। अब यहाँ पर आपको डेटाबेस बैकअप कहाँ चाहिए, आपके ईमेल पे चाहिए तो ईमेल सेलेक्ट कर सकते हैं, और बैकअप्स टू रिटेन। सो अगर आप सपोज़ यहाँ 3 टाइप करेंगे सो आपको 3 दिन का बैकअप आपके पास अवेलेबल रहेगा। अगर आप 5 टाइप करेंगे तो आपके पास 5 दिन का बैकअप अवेलेबल रहेगा। और इसका मतलब ये बेसिकली ईमेल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उस टाइम इंपॉर्टेंट जब आप इसे लोकली सेव करना चाहेंगे, जो मैं नहीं रेकमेंड करता हूँ। मैं सिंपली रेकमेंड करूँगा आपको ईमेल सेलेक्ट करके यहाँ पर 0 कर दे, उससे ये होगा कि हर रोज़ आपको एक डेटाबेस का बैकअप रोज़ मिलता रहेगा। और उसके बाद कंप्रेस बैकअप फाइल्स, हाँ आपको इसे यस करना है, बिकॉज आपको वो जो डेटाबेस का फाइल आ रहा है हमें वो जिप फाइल चाहिए, कंप्रेस्ड फाइल। ओके सो ये सेटिंग्स करके सेव सेटिंग्स कर दे। उसके बाद है फाइल चेंज डिटेक्शन इनेबल करके आप इसे भी कॉन्फ़िगर सेटिंग्स कर सकते हैं। सो बेसिकली जब भी आपके वेबसाइट पे कोई भी फाइल में कुछ चेंजेस होंगे सो आपको एक ईमेल आ जाएगा कि आपकी फ़ाइल में कुछ चेंजेस हुए हैं। अगर आपने वो किया है तो आप यू नो रिलैक्स हो सकते हैं, हाँ यार ये तो मैंने ही किया है। अगर किसी और ने किया है, आपने अभी कुछ चेंजेस नहीं किए आपके वेबसाइट पे, सो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कोई मेरे वेबसाइट पे कुछ चेंज तो नहीं कर रहा है। सो ये उस टाइम यूज़फुल हो सकता है। सो इसे सेव सेटिंग कर दें आप। फाइल परमिशन पे शो डिटेल कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ खास नहीं है सो इसे कैंसिल कर देते हैं। अभी 2 सेटिंग्स भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लोकल ब्रूट फोर्स और नेटवर्क ब्रूट फोर्स। पहले लोकल ब्रूट फोर्स देखते हैं, कॉन्फ़िगर सेटिंग पे क्लिक करें। अब यहाँ पर लॉगिन अटेम्प्ट्स है। सो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस कोई लॉगिन अटेम्प्ट का थ्रेशोल्ड नहीं रखता है, यानी कोई लिमिट नहीं रखता है। कोई भी बंदा कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट पे जाके 1000 बार 10000 बार लॉगिन अटेम्प्ट कर सकता है और उसको कुछ नहीं होगा। सो हमें ये सेटिंग्स को चेंज करना है, हमें लॉगिन का एक लिमिट रखना है। बिकॉज क्या हो सकता है कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आए, बहुत सारे यूज़र नेम पासवर्ड ट्राई करे और अल्टीमेटली हो सकता है कि वो आपके वेबसाइट पे विजिट कर जाए, आपके डैशबोर्ड पे कर जाए और आपके वेबसाइट को थोड़ा नुकसान पहुंचा दे, अटैक कर दे। सो हम यहाँ पर एक लिमिट डाल देते हैं, मैक्स लॉगिन अटेम्प्ट पर होस्ट। सो एक होस्ट 5 बार लॉगिन अटेम्प्ट कर सकता है। मैक्स लॉगिन अटेम्प्ट्स पर यूज़र 10, मिनट्स टू रिमेंबर बैड लॉगिन अटेम्प्ट्स 5। मतलब ये कि अगर 5 मिनट के अंदर एक किसी ने 5 बैड लॉगिन अटेम्प्ट्स किए, यानी यूज़र ने पासवर्ड गलत था, तो वो लॉकआउट हो जाएगा हमारे वेबसाइट से, हमारे वेबसाइट को नहीं देख पाएगा। ओके सो अगर आप चाहते हैं कि इसको इंक्रीज़ करते हैं तो आप इन नंबर्स को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बॉटम में ऑटोमेटिकली बैन एडमिन यूज़र्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे आके आपके यू नो डैशबोर्ड पे कुछ चेंज करने की या फिर लॉगिन करने की कोशिश करे, सबसे पहले वो आपके यूज़र नेम में एडमिन टाइप करके कोशिश करेगा। सो जैसे ही कोई एडमिन टाइप करे, हमें एक आइडिया हो जाता है, यार लग रहा है ये बंदा हमारे वेबसाइट पे कुछ अटैक करना चाह रहा है, सो हम यू नो इसे टिक मार्क कर सकते हैं। सो जब भी कोई यूज़र नेम में एडमिन टाइप करेगा तो इमीडिएटली लॉकआउट हो जाएगा।
बट आपको एक चीज़ याद रखना है कि आप ये बेवकूफ़ी ना करें कि अपना यूज़र नेम एडमिन रखे ये, या फिर यूज़र नेम को यूज़र नेम रखे। यूज़र नेम थोड़ा डिफ़िकल्ट रखिए, थोड़ा अपर केस लोअर केस ये सब इस्तेमाल करें इसमें, वो ज़्यादा बेटर होगा। सेव सेटिंग कर दीजिए इसे। पासवर्ड रिक्वायरमेंट बेसिकली उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इसलिए होता है कि आप अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रिक्वायरमेंट हो सो ये इम्पॉर्टेंट नहीं, आप इसे छोड़ सकते हैं। SSL सर्टिफिकेट, अगर आपके वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट है, ये सिक्योर सॉकेट ग्रीन कलर का जो है, अगर आपके वेबसाइट पे ये है सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आप छोड़ देंगे। तो चलिए इनेबल करते हैं, बिकॉज मेरे वेबसाइट पे ये सिक्योर सॉकेट है। कॉन्फ़िगर सेटिंग्स करते हैं और यहाँ पर इनेबल कर दें, सिंपली इनेबल करके सेव सेटिंग्स कर दें। सिस्टम ट्वीक्स को भी आप इनेबल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर सेटिंग्स कर सकते हैं और आप कुछ फाइल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा। ओके सो यहाँ पर कुछ ये चीज़ आप कर सकते हैं, PHP इन अपलोड, बिकॉज आप कभी अपना PHP अपलोड फाइल, अगर आप ये करेंगे तो आप कोई भी PHP फाइल अपलोड नहीं कर सकते अपने वेबसाइट पर, यह आपको ध्यान रखना होगा। बट ये मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज नॉर्मली मुझे नहीं लगता कोई भी आप में से अपने वेबसाइट पर क्यों PHP फाइल अपलोड करना चाहेगा, सो इसे डिसेबल कर दी। और बट जो अटैकर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं आपके वेबसाइट पे PHP फाइल अटैक कर दे, बिकॉज PHP फाइल अटैक करने से अगर उसमें कोई ऐसा स्क्रिप्ट होगा जो उनको कुछ एक्सेस देगा आपके वेबसाइट पे, सो उससे भी अटैक कर सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल है ये वीडियो, मुझे पता है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आई एम सॉरी। सिंपली जो मैं टिक मार्क कर रहा हूँ आप भी टिक मार्क करें, मेरे स्टेप्स को फॉलो करते रहे और आपका वेबसाइट सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद वर्डप्रेस सॉल्ट्स को कॉन्फ़िगर सेटिंग्स करके टिक मार्क कर दे, चेंज वर्डप्रेस सॉल्व्स करके और सेव सेटिंग्स कर दे, और कुछ नहीं करना है उसमें। जैसे आप ये करेंगे फिर से आपको लॉग इन करना पड़ेगा बिकॉज आपका सॉल्ट्स चेंज हो गया है। ओके आई थिंक मैंने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को इनेबल कर दिया था इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पूछ रहा है। ओके सो मुझे नहीं करना चाहिए था इनेबल, बट चलिए अपडेट पासवर्ड कर देते हैं। फिर से ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर सब सेटिंग्स हो गए हैं। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग बाकी है जो एडवांस में है, एडवांस पे क्लिक करें और यहाँ पर आपको हाइड बैकएंड मिलेगा, अभी ये इनेबल कर दे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं एक नया अपना वेबसाइट, ये जो पहले यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ अपने वेबसाइट का URL और न्यू इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करता हूँ, सो यहाँ से न्यू इनकॉग्निटो विंडो ओपन करके वेबसाइट को पेस्ट करता हूँ। तो जब भी कोई आपके वेबसाइट पे आएगा, कोई भी अगर आप वेबसाइट पे जाएं उसके बाद /wp-admin टाइप करेंगे सो आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, यहाँ से लोग लॉगिन कर सकते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पेज को हाइड कर सकते हैं ताकि कोई भी ये पेज को देख ही नहीं सके। अगर वो /wp-admin टाइप करे सो उसे नॉट फाउंड का पेज मिले। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इससे भी आपका वेबसाइट काफ़ी सिक्योर हो सकता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। पहले हम फिर से उस पेज पे आ जाते हैं, इस पेज पे। अभी आपको यहाँ सबसे पहले ये टिक मार्क करना है इनेबल हाइड बैकएंड फीचर और उसके बाद लॉगिन स्लग को चेंज करना है। सो सपोज़ WP एडमिन के जगह आप क्या डालना चाहेंगे, सो सपोज़ मैं यहाँ पर अपना नाम डाल सकता हूँ जो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा, बट ये ट्यूटोरियल पर्पसेस के लिए है सो मैं डाल रहा हूँ। आप यहाँ पर कुछ ऐसा नाम के बाद कुछ नंबर वंबर डाल सकते हैं। ओके सो मैं इधर सिर्फ नाम डाल रहा हूँ अपना, नहीं है शेक। ओके और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सेव सेटिंग्स कर दें। अभी चलिए फिर से इनकॉग्निटो विंडो पे जाते हैं, इस पेज को पहले रिफ्रेश कर देते हैं। अभी मैं फिर से ट्राई करता हूँ /wp-admin। अभी आप देखेंगे कि मुझे ये नॉट फाउंड पेज दिखा रहा है। अभी अगर मैं टाइप करूँगा /nayarshekh तो मैं इस पेज पर आ जाऊँगा। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। ओके गाइस सो इसके साथ हमारा सब सेटिंग्स कम्प्लीट हो गया और इस ये सब सेटिंग्स करने के बाद आपका वेबसाइट बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा पहले से। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आई होप ये वीडियो से आप बहुत कुछ नया सीखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे और आपसे थोड़ी हिम्मत मिले और भी हिंदी वीडियोज़ बनाने की। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो मेरे लिए, सो आप उसे कॉमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हैं। Thanks a lot for watching guys, see you soon.